नरवर दुर्ग भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले के नरवर नगर में स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है। ये विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर 500 फुट की ऊंचाई पर खड़ा है और 8 वर्ग किमी के क्षेत्रफल पर फैला है। ये किला मूलतः कश्यप कच्छप वंश के राजा नल द्वारा बनवाया गया। राजा नल और विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की प्रेम कहानी इसी किले से जुड़ी है। कहा जाता है कि यहाँ एक पुराना सैन्य निर्माण था। कश्यप कच्छप राजाओं के बाद 10वीं शताब्दी में कच्छप घाट कछवाहा राजपूतों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार होने के बाद पुनर्निर्माण करा। पहले इस दुर्ग का निर्माण या पुनर्निर्माण दांगी कछवाहा राजपूतों ने करा। कछवाहों के बाद यहां परिहार और फिर तोमर राजपूतों का आधिपत्य रहा और अंततः ये 16वीं शताब्दी में मुगलों के अधीन आ गया। किंतु इस पर से राजपूत शासन चले जाने के कारण आसपास के राजपूत सरदारों और जमींदारों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो राजपूत सरदार पहले से ही स्वतंत्र शासन कर रहे थे वे भी शक्तिशाली थे। उनमें एक बड़ी और शक्तिशाली जमींदारी रायपुर रही जिस पर पवैया चौहान राजपूतों का अधिकार था। उस समय नरवर से मालवा की ओर जाने का यहाँ से एक प्रमुख मार्ग था जो कि चौहानों के अधिकार में होने के कारण मुगलों के लिए अच्छा नहीं था। मुगलों के अनेक प्रयासों के बाद भी वे कुछ ना कर सके और मुगल चौहानों तथा अन्य शक्तिशाली राजपूत सरदारों के कारण कमजोर हो रहे थे। नरवर राजपूतों का राज्य रहा इसलिए राजपूत सरदार पुनः उस पर राजपूत शासन चाहते थे। रायपुर के चौहान निरंतर अपनी सीमाओं का विकास कर रहे थे और शक्ति में वृद्धि कर रहे थे और संभवतः चौहान जल्द ही नरवर पर अधिकार कर लेते। किंतु कालांतर में 19वीं शताब्दी के आरंभ में यहां मराठा सरदार सिंधिया ने अधिकार किया और चौहानों से रक्षित करने का प्रयास किया। किंतु लोक कथाओं से पता चलता है कि चौहानों ने मराठों को भी कभी कर नहीं दिया और मराठे भी यहां राजपूतों के प्रभाव के कारण मुगलों को यहां से परास्त और उनका पुनर्तः शासन समाप्त करने के बाद भी राजपूतों के ठिकानों पर अधिकार नहीं कर पाए। आल्हा काव्यम में नरवर गढ़ को मुहर्रम गढ़ भी कहा गया है जहाँ के राजा मोतीमल बघेल का नाम का राजा का जिक्र है। यहाँ पर दांगी राजपूत शासक नेपाल सिंह दांगी ने राज्य किया। 1150 के बाद ये किला छोड़ दिया। नरवर का किला बुंदेलखंड में पहले एवं मध्य भारत के ग्वालियर किले के बाद दूसरे नंबर का है। नरवर दुर्ग नाग राजाओं की राजधानी था। महाभारत कालीन नरवर का उल्लेख श्री हर्ष रचित नैषधीय चरितम में निषद नगर या निषद देश के नाम से विस्तार पूर्वक मिलता है। प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति नरवर तत्कालीन नलपुर के राजा नल द्वारा अपनी पत्नी दमयंती को कही गई। नरवर का किला भारतीय किलों की शान और अत्यंत प्राचीन व सबसे सुरक्षित किला माना जात है। विदेशी यात्री टिपिंथलर ने नरवर किले की सुरक्षा के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि नरवर किले को जीत पाना बेहद दुष्कर है। सुरक्षा की दृष्टि से इसका कोई जवाब नहीं। इस शहर का ऐतिहासिक महत्व भी रहा है और इसे 12वीं शताब्दी तक नालापुरा के नाम से जाना जाता था। इस महल का नाम राजा नल के नाम पर रखा गया है जिनके और दमयंती की प्रेम गाथाएं महाकाव्य महाभारत में पढ़ने को मिलती हैं। इस दुर्ग के पूर्वी और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लंबवत एक दूसरा पहाड़ है जिसे हजीरा पहाड़ कहते हैं क्योंकि इसके पश्चिमी भाग के शिखर पर दो कलात्मक हजीरा निर्मित है। दुर्ग के दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर में लगी हुई सिंध एवं पूर्व से अहीर नदी ने चारों ओर से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान कर दी है। नरवर दुर्ग में अनेक हिंदू मंदिर निर्मित है।